हीरो कंपनी पैशन प्लस को एक बार फिर से रिलॉन्च कर रही है, क्योंकि बाइक लॉन्च होने से पहले डीलरशिप पे पहुंचना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। तो हीरो पैशन प्लस जो कि हीरो पैशन प्रो और हीरो पैशन प्रो एक्सटेक से काफी अलग है, क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग है पहले जैसी आपको देखने को मिल जाएगी, जो इसको 2019 में डिसकंटिन्यू किया गया था। लेकिन यहाँ पे नई ग्राफिक्स देखने को मिलेगी, ये अब दो ऑप्शन के साथ फिलहाल अभी देखा गया है, जो कि ब्लैक और रेड ग्राफिक्स के साथ और दूसरा आपको ब्लू ग्राफिक्स के साथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी इसमें और भी क्या क्या चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जहाँ पे आपको एनालॉग में स्पीड की जानकारी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो डिजिटल डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको फ्यूल, ऑडोमीटर, ट्रिप, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। बाकी ये आई3एस टेक्नोलॉजी के साथ भी देखने को मिलेगी। ये आपको कनेक्टेड फीचर के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 100 सीसी में आने वाली है, क्योंकि इसमें अगर कनेक्टेड फीचर दिया जाता तो इसकी प्राइस ज्यादा हो जाती, क्योंकि इसे इसीलिए रिलॉन्च किया गया है ताकि ये होंडा साइन 100 को टक्कर दे सके, वो प्राइस के मामले में हो चाहे फीचर्स के मामले में हो। इसलिए यहाँ पे सेमी डिजिटल मीटर दिया गया है, जिससे कि इसके प्राइस ज्यादा हाई ना हो। और इसमें जो इंजन मिलेगा, जो HF डिलक्स और स्पेंडर प्लस में देखने को मिलता है, वही सेम इंजन यहाँ पे भी आपको 97 सीसी के साथ देखने को मिल जाएगी, जो कि OBD2 कंप्लाइंट और E20 फ्यूल कैपेबल के साथ आएगी। इसके टैंक के ऊपर E20 की बैजिंग भी देख सकते हैं, जो कि 7.91 BHP का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। 4 स्पीड इसमें गियरबॉक्स दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको सिंगल पीस लंबी सीट मिल जाएगी, पीछे ग्रैब रेल भी दिया गया है। बाकी ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं, इस नई ग्राफिक्स के साथ हीरो पैशन प्लस लॉन्च होने वाली है। इसके फ्रंट और रियर में आपको 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिलेगा। वही इसके प्राइसिंग के बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इसे लॉन्च किया जाएगा और हो सकता है कि होंडा साइन से पहले इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि होंडा साइन 100 की डिलीवरी अभी मई से स्टार्ट होगी और कंपनी उससे पहले ही इसे लॉन्च करके डिलीवर भी करना शुरू कर देगी। फिलहाल जो इसकी प्राइस होने वाली है वो लगभग 70,000 एक्स रूम प्राइस पे लॉन्च हो सकती है। आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या रखी जानी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप इसका कंपैरिजन होंडा साइन 100 के साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिर इतना ही। अगर आप हीरो कंपनी की 100 सीसी में बाइक खरीदने की सोच रहे थे तो कुछ दिन आप वेट कर सकते हैं, आपको इस नए पैशन प्लस आपको मिल जाएगा अगर आप HF डिलक्स या फिर स्पेंडर प्लस खरीदना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।